GMS Group of Institutions Harper has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs. Group of Institutions Harper is a top-notch institution in the whole gamut of NCR Delhi. GMS संस्थान KG2PG National Highway 9 हापुड़ ATMS National Highway 24 अछेजा कट के पास हापुड़ ओम कॉमेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फुलगली पीर वाली गली हापुड़ मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापुड़ जय हिंद जय संविधान। मैं हूं चंदन। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के स्कूल संचालक नहीं मानते जिलाधिकारी के आदेशों को, खुलेआम उड़ाते हैं जिलाधिकारी के आदेशों को धज्जियां। ऐसा ही एक स्कूल है हापुड़ के मोहितपुरम में देवनंदिनी अस्पताल के पीछे न्यू सेंटर पब्लिक स्कूल, जिसके संचालक हैं पूरन, जो एक तरफ जिलाधिकारी के आदेशों का पालन करने की बात कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना स्कूल खोलकर विद्यार्थियों को पढ़ाकर जिलाधिकारी के आदेशों की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां। मीडिया के पहुंचने पर विद्यार्थियों को पर्ची देने की बात कहकर लीपा पोती करने लगे। सुनते हैं स्कूल संचालक पूरन को। नहीं, जैसे अभी कह रहे हो बच्चों पर व्हाट्सएप नहीं है। व्हाट्सएप तो देखो, यहाँ पढ़े लिखे तो बहने गार्जियन भीमनगर के इधर के सारे एससी के बाल उनमें व्हाट्सएप है नहीं। अब बच्चे आएंगे जब इन्हें बतलाएंगे छुट्टी है, पर्ची लिख के दी जा रही है उन्हें कि 2 तारीख तक छुट्टी है, 3 तारीख को मिलेगा। अब आप स्कूल के क्या हैं? मैं मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं। छुट्टी की साल क्यों हुई है? छुट्टी किस ये हमने की है उसके कांवड़ सेवा के अंतर्गत बोर्ड पर भी लिख रखा है, पर्ची भी लिख रखे, बच्चों को पर्ची दी जा रही है छुट्टी के लिए। 26 तारीख से 2 तारीख तक विद्यालय बंद रहेगा, 3 को खुलेगा। ये किसके आदेश है? डीएम। तो अब क्या समय हो रहा है आपका? 9 बजे हैं। क्या तारीख के 9 बज रहे हैं? 26 तारीख। तो अब पर्ची लिख के दी जाए टाइम तो नहीं, 9 बज रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश कब आए हैं? रात को। कई बजे करीब? भैया मेरे पास तो 5 बजे करीब पहुंचा है। शाम 5 बजे? हाँ। जब आपके पास शाम 5 बजे आदेश पहुंच गया, हाँ। तो आपने सुबह स्कूल खोलने की क्या जनी मत समझी? क्या बच्चों को कैसे भेजूं मैं? क्या जिलाधिकारी के आदेश की पालन नहीं करता? डीएम के आदेश का पालन, मेरे यहाँ सब छुट्टी होती है, कोई छुट्टी ऐसी नहीं होती जिस दिन मैं छुट्टी नहीं करता। अब भी बोर्ड पर लिखा हुआ है सबको काम, पर्ची लिख के दी जा रही है, काम दिया जा रहा है। तो 9:30 बजे तो मेरा विद्यालय बंद हो जाएगा, आप आके कभी भी देख लेना। आपका नियम जरूरी है या जिलाधिकारी का आदेश जरूरी है? जिलाधिकारी का आदेश जरूरी है, परंतु जो बच्चे आधे आए रोजाना मुझे आके खड़ा होना पड़ता, फायदा क्या होता? अब मैं पर्ची लिख के दे रहा हूँ सब बच्चों को, जाके नर्सरी के जी फर्स्ट वालों को सबको देख लो, पर्ची लिख के दी जा रही है कि उनको इस तारीख का ऑर्डर घुमाया जा रहा है कि 26 तारीख से और 2 तारीख तक छुट्टी है, 3 तारीख को विद्यालय खुलेगा। तो ये तो स्कूल खुलने पे सुबह 7:30 बजे ही आपको बता देना चाहिए। 8:30 बजे 8:45 बजे तक तो बच्चे आ रहे हैं, अभी तक तो बच्चे ही आ रहे हैं भाई। अच्छा, कितने बच्चों को वापसी कर चुके हैं आप? मैं लिख के पर्चा भी जब दूंगा बच्चों को, मैं तो लगभग अभी 9 बज चुके हैं, 7:45 का स्कूल है, तो आपने अभी तक कितने बच्चों को वापसी किया स्कूल से? पर्ची लिख के दे रहा हूँ भाई, मैं जब तक पर्ची लिख के नहीं दूंगा जब तक कैसे दे दूंगा बच्चे? कल को फिर मुझे फिर आके खड़ा होना पड़ेगा कि बच्चे फिर आएंगे कल को, आज की छुट्टी समझेंगे बच्चे को, अखबार तो हर एक के बच्चे के घर। जिलाधिकारी के आदेश पर और स्कूलों ने सारों ने छुट्टी कर रखी, उनके बच्चे नहीं पहुंचे आज सबके यहाँ 9:30 बजे छुट्टी होंगी। आधातर जो इंटर कॉली है उन्होंने कर रखे हैं, उनके पास सुविधा है, उन्होंने सुविधा करके भेज दी है। अब कौन, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, कर रहा हूँ 9:30 बजे के बाद विद्यालय बंद हो जाएगा। मैं लिखित में दे रहा हूँ बच्चों को कि जाके आप बच्चों की प्लीज
पर्ची देख लो कि पर्ची लिखी जा रही है नहीं लिखी जा रही। अभी भी 9:30 के बाद साढ़े नौ गार्जियन आएंगे जब लेके जब भी उसको लेके जाएंगे भाई। मैं तो छुट्टी वैसे ही कर दूंगा, बच्चे लेके तो छोटे छोटे बच्चे जो लेके आए हैं उनको। गार्जियन के बजे आएंगे? 9:30 तक आ जाएंगे, ले जाएंगे उनको। गार्जियनों को भैया 9 बजे तक का टाइम दे रखा है। गार्जियनों को कैसे बता के 9:30 छुट्टी होगी या 10 बजे छुट्टी होगी? मैंने कही है उनसे, आपका स्कूल क्या डेली इतने बजे बंद होता है? 9:30 तक बच्चे आते हैं तो नहीं 9:30 तक आते हैं। आपने अभी कहा गार्जियन इतने बजे आएंगे। हाँ, वो सुबह जब छोड़ने आए थे तब उनसे मैंने कहा था कि आप 9 बजे तक ले जाना, बच्चों को काम दिलवा रहे हूँ 8 दिन का, नहीं बच्चे लिख के दे रहा हूँ। 9 बजे तक क्यों ले जाना भाई? बच्चे 9:45 तक बच्चे आ रहे हैं, क्या करूँ? दो बच्चे गार्जियन आने लगे, ले जाने लगे। नहीं 9 बजे तक क्यों ले जाना, क्यों कह रहे हो आप उनसे? उनका 9 बजे ले जाना और कैसे समझ कैसे सब बच्चों के घर मैं सब जो गार्जियन बच्चों के साथ आए हैं उनसे आप कह रहे हो 9 बजे ले आना आप बच्चों को? अभी गार्जियन आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं नहीं लेके जा रहे हैं? नहीं, मुझे ये बताइए उन्हें क्यों कह रहे हो आप? नुका जी 9 बजे ले आना। और क्या कहूँगा आप उनसे? ये भी तो कह सकते थे नुका जी, हाँ जी आज छुट्टी है, आज जिलाधिकारी के आदेश है। भैया सारे बच्चे तो गार्जियन छोड़ लेने आते हैं, आधे बच्चे तो अपने आप आते हैं भाई। आप किसी की मजबूरी, मैंने सारे बच्चों की मजबूरी का भी तो समझोगे। देखो गार्जियन अब आने लगे, ले जाने लगे। मैं सारे गार्जियनों की बात नहीं कर रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो अभी आपने बताया कि बच्चे उनको छोड़ने आए थे गार्जियन। तो काम तो देंगे 8 दिन का, 8 दिन का काम तो देंगे, खाली पड़े हैं वो परसों 15 तारीख से पेपर है। तो आपको 8 दिन का काम देना जरूरी, जिलाधिकारी का आदेश कोई नहीं है? जिलाधिकारी का आदेश सब मेरे सिर माथे पर, मैं उनका पालन दिल से पालन करता हूँ, परंतु थोड़ा सा मुझे बच्चों को भी तो नहीं भगाना कि यहाँ से कैसे बच्चे एकदम भाग जाएं। और उनके बाद मैं रोजाना फिर आके खड़ा रहूँ, कल को मेरा स्कूल बंद रहेगा, मुझे आना ही नहीं है, कल को फिर आके खड़ा रहूँगा, बच्चे आएंगे फिर कैसे जाएंगे? आप थोड़ा सा वो भी तो रखो। अब गार्जियन आने लगे, ले जाने लगे बच्चे, 9:30 बजे तक विद्यालय बंद हो जाएगा। टीचर सारे आए हैं? टीचर्स आए हैं। कितने टीचर हैं? कितने टीचर हैं लगभग आपके स्कूल में? 35। जेंट्स कितने, लेडीज कितनी है? जेंट्स कोई, सारी लेडीज हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? बीए एमए है, बीएड है। इतने क्वालिफिकेशन के हैं? कितनी एमए बीएड कितनी हुआ भैया? इतना तो मुझे एकदम जमाने याद ना, 80 साल की मेरी उम्र हो रही है। आपका शुभ नाम? पूरन चंद। आपको बता दें जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए जनपद के सभी प्राथमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय, CBSE एवं ICSE बोर्ड, मान्यता प्राप्त विद्यालय, मदरसा बोर्ड, डिग्री कॉलेज, डाइट तकनीकी संस्थाओं के प्राचार्य प्रधानाचार्य को निर्देशित किया कि दिनांक 26 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। और यह भी सख्त आदेश दिया कि यदि 26 जुलाई से 2 अगस्त तक कोई भी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज खुला हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ इस न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ने स्कूल खोलकर जिलाधिकारी के आदेशों की उड़ाई धज्जियाँ। अब देखना होगा कि इस स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या नहीं। हापुड़ कॉस्मिक न्यूज ब्यूरो। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। वेलकम टू ATMS। आवर स्प्रॉलिंग कैंपस प्रोवाइड्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग with cutting edge facilities and resources designed to support academic excellence. Beyond academics, our vibrant campus life offers a plethora of opportunities for students to discover their passions. Contact us today to begin your academic adventure. खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल ATC फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।